नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एवरीडे विजय सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ्स। दोस्तों, अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं या कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं जो आज आपको वीडियो बताने वाला हूँ एकदम मैथ्स का बेसिक चैप्टर बताने वाला हूँ। तो बेसिक का मतलब है दोस्तों जीरो लेवल से, जीरो लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा और आपको हाई लेवल तक के ले जाऊंगा, ठीक है? यह मेरी गारंटी है दोस्तों। तो बेसिक चीजें सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका जो अगला चैप्टर आएगा उसको भी देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को विजिट कर लेना है। दोस्तों, ये मैथ सीखने के लिए आपका सुनहरा मौका है, उन छात्रों के लिए जिनका मैथ्स के जीरो लेवल से मैं बताने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। दोस्तों, मैथ्स में सबसे पहले होता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके क्या है। देखिए डिस्प्ले पर कि पहला पहला फैक्ट देखिए कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, चाहे शून्य का गुणा किसी संख्या से हो या संख्या का किसी शून्य से गुणा हो, तो हमेशा गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन बॉक्स पर ए का मल्टीप्लाई गुणा जीरो से हुआ है तो आपका जीरो प्राप्त हुआ, यानी का ए का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो से करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, या किसी जीरो से हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए 15 का गुणा हम जीरो में किए हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जीरो का मल्टीप्लाई हम क्या 15 में गुणा किए हैं तो जीरो ही मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीप्लाई 6 हुआ, यानी सचअंक 42 हो गया, फिर जीरो हो गया। तो जब 42 का मल्टीप्लाई जीरो से होगा जीरो हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 10 है तो ये भी इसका मान जीरो होगा दोस्तों, ठीक है? अब देखेंगे अगला फैक्ट क्या है, ठीक है? नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका अगला फैक्ट क्या है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, यानी कि जब 0/a = 0 है, यानी कि 0 में हम किसी संख्या का भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, शेषफल क्या आएगा 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, 0 में अगर हम 7 का भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमें 0 ही मिलेगा। अगर हम 0 में 40 का भाग दे रहे हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अगर हम 0 में 480 का भाग दे रहे हैं तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा, यानी शून्य प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों? अब देखेंगे अगला अगला जो आपका फैक्ट क्या है, मैथमेटिक्स के कितने फैक्ट होते हैं इसको देखने के लिए आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों फैक्ट क्या है, सबसे तीसरा फैक्ट है आपका, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आता है, भागफल इन्फिनेटिव प्राप्त होता है, इन्फिनेटिव प्राप्त होगा। यानी कि मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसमें हम जीरो का भाग दे रहे हैं तो क्या इन्फिनेटिव प्राप्त होगा, ठीक है? मान लीजिए आपका 19 लिखा हुआ है, इसमें हम जीरो का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 540 दिया हुआ है और जीरो से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या है, इन्फिनेटिव प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग की संख्या कर रहे हैं, अगर नीचे जीरो किसे कर रहे हैं तो वो इन्फिनेटिव प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों? यानी कि अनंत, इन्फिनिटिव मतलब होता है अनंत होता है दोस्तों। अब देखेंगे अगला फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है दोस्तों। यहां पर देखिए ये चौथा फैक्ट आपका दिया है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर इसका मान 1 प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी संख्या मान लीजिए ए है, इसकी घात 0 है तो इसका मान 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए 16 की घात 0 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए 8 की घात 0 है तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए 4 की घात 0 है तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। 0 के मतलब होता है कोई नहीं संख्या में। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया है 430 की घात 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है? 0 का मतलब होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसके कोई घातांक नहीं है, तो 1 ही मान प्राप्त होगा। ये है
फैक्ट दोस्तों, मैथमेटिक्स में इन चीज़ों बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम बता रहे हैं जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। क्या होता है भागफल, कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन बॉक्स में दिया है कि a/a = 1, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखेंगे भैया, 4 का भाग अगर हम 4 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 5 का भाग अगर 5 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अगर दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट आ रहे हैं, फिर भी अपने अब वीडियो को देखिए, अपने फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, ठीक है। तो 6 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। ये है मैथमेटिक्स के बेसिक चीजें, बेसिक फैक्ट हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लिए हैं, अब देखेंगे अगला फैक्ट क्या है दोस्तों। अब बात आती है किन फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके जोड़ और घटाना में, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात आती है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। और चिन्ह क्या है? प्लस, यानी कि लगता है चिन्ह, क्या लगता है? ये लगता है जो आपके डिस्प्ले में देख सकते हैं, चिन्ह ये लगता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनबॉक्स में देखेंगे, 2 को हम अगर +3 कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नोट क्या करना है, किसी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे क्या माना जाता है? धन ही माना जाता है, ठीक है। अगर सामने कोई चिन्ह ना दिया हो, जैसे 2 के पहले नहीं दिया है ना, तो इसको हम धन ही मानेंगे। तो 2 धन धन 3 बराबर धन का 5 ही आएगा, इसे धन ही मानेंगे, ठीक है। अब अगला फैक्ट देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फैक्ट देखिए कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कैसे? इस फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये +5 है, -7 है। अब देखिए चिन्ह क्या पूछा, बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या में चिन्ह क्या? -7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल -2 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि -7 है, यानी कि माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली छोटी है। यहाँ पर देखेंगे +18 है, -6, यानी प्लस वाली बड़ी संख्या है, तो क्या आ जाएगा? धनात्मक आएगा, धन चिन्ह आएगा। अगर 18 में से 6 करें कितना जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ऋण का 8 है, 18, तो कौन सी बड़ी हुई भैया? प्लस वाली संख्या, धन वाली संख्या बड़ी है। 18 में 8 जाएगा तो 10 आ जाएगा। जो संख्या बड़ी होगी जिस चिन्ह वाली, वही यहाँ पे चिन्ह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9, अब यहाँ पे 13 जो ऋण वाली चिन्ह है, क्या है? बड़ी है। 9 के पहले हमेशा अगर नहीं लिखा तो प्लस में ही लिखा जाता है। 13 में से 9 जाएंगे, कितना जाएगा? -4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, -13 बड़ी संख्या है और 9 की क्या है? छोटी है। तो फिर भी यहाँ भी -4 ही आएगा, ठीक है। तो आपने जोड़ और घटान में 2 फैक्ट देख लिए हैं। अब तीसरा फैक्ट देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का ही लगता है। भैया आइए चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल में -5 और -2 है तो जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या? ऋण का ही लगेगा। 9 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आपका ऋण का ही लगेगा। 7 3 10 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगेगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं, ठीक है। अब अगली आपका फैक्ट बात करेंगे गुणा की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा की संक्रिया में क्या फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स में? देखिए, अगर प्लस का गुणा प्लस से होगा तो हमारा क्या होगा? प्लस में ही आएगा, यानी कि 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 में आएगा। अगर प्लस का गुणा यहाँ पर हम क्या माइनस से कर देंगे तो हमारा माइनस में ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2 का गुणा -3 से किए तो -6 आ गया है, ठीक है। अगर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो भी माइनस आएगा, अगर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो रहा है तो प्लस आएगा। सम बार मतलब होता है 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार। अगर माइनस का गुणा ऋण का गुणा विषम बार हो रहा है, विषम बार मतलब जैसे 3 हो गया 5 बार 7 बार, तो आपका माइनस ही रहेगा। सम बार में प्लस आएगा और विषम बार में माइनस होगा। यह आपके गुणा की फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगला फैक्ट जो आपका है,
अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे -7 गुणे -9 बराबर कितना हुआ है 9072। ये प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि माइनस का, क्योंकि ये माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। कैसे? माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखे हैं प्लस होता है, लेकिन प्लस का गुणा अगर माइनस से हो जाए, यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा अगर माइनस से होगा तो क्या हमें प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अगला देखिए, 3 गुणे -4 गुणे 2 गुणे -7 गुणे 5, यानी कि माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस ही होगा, माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस ही रहेगा, यानी 740, ठीक है। तो ये आपकी गुणा के फैक्ट हो गए। अब देखेंगे अगला फैक्ट जो आपका होने वाला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है, भाग यानी कि डिवीजन की बात करेंगे। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस का भाग अगर प्लस से होगा तो हमें प्लस ही प्राप्त होगा, यानी अंश में प्लस है और आपके अंश यानी ये हो गया हर यानी ऊपर वाला होता है, ठीक है। कौन होता है? अंश बटे हर। अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, कंफ्यूज नहीं होता। अंश बटे हर, अंश ऊपर नीचे हर, तो अंश बटे हर में अगर प्लस प्लस होगा तो प्लस ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4/2 है तो हमें क्या है, 2 प्राप्त होगा, ठीक है। 2 कैसा प्राप्त होगा, दोनों धनात्मक है तो हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा, ठीक है। 2 यहाँ पर देखिए प्लस ऊपर है, अंश में हर में आपका ऋण है तो ऋण प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल में अंश में 4 है, ठीक है, 4/2 है, लेकिन हर में आपका -2 है तो -2 में प्राप्त होगा। इसी प्रकार माइनस अंश में माइनस और हर में भी माइनस हो तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -4/-2 = 2, अगर आपके अंश में ऋण और हर में धन है तो हमें ऋण ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए -4/2 = -2, फॉर एग्जाम्पल देखिए -a/b = a/-b = -a/b, यानी बराबर चाहे ऊपर चिन्ह लगा हो चाहे नीचे, वो माइनस में ही होगा, ठीक है। चाहे बीच में चिन्ह लगा हो तो वो संख्या माइनस में ही प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए -4/2 = 4/-, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो चाहे बीच में, उसका मान ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके बेसिक चीजें अच्छी लगी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं और आपको बताऊंगा बीजगणितीय संकाय, जिसमें आपके 4 राशियां होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां, 2 राशियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। चर और अचर राशियां, राशियां क्या होती हैं दोस्तों, इनका गुणा कैसे किया जाता है और इनको जोड़ा कैसे जाता है, जो भी आपके घर में सदस्यों में से मैथ्स में वीक हो, कमजोर हो, या उनकी मैथ्स उतनी मजबूत नहीं है कि जितनी होनी चाहिए या कंपटीशन में बैठ सकें, ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए जरूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर मिलते हैं आपके बीजगणितीय संख्या लेकर, तो हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए और साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग जयकारा एक बार लगा लीजिए। जय माता दी।